लगातार मेरा प्रवास चलता रहता है और उसी सिलसिले में आज मैं अपने पदाधिकारियों के साथ नालंदा जिले की बैठक कर रहा हूं और दिसंबर में हम यहां पर बूथ अध्यक्षों का एक बड़ा सम्मेलन करने जा रहे हैं। पूरे बिहार में प्रत्येक जिले में कार्यक्रम हो रहा है और इसी के तहत पूर्णिया में, छपरा में, भोजपुर में कार्यक्रम हुआ था। उसी प्रकार का एक कार्यक्रम नालंदा जिले में भी इस वर्ष ही होगा और माननीय गृह मंत्री जी उस बूथ अध्यक्षों के सम्मेलन में स्वयं उपस्थित रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रही है और हम कार्यकर्ताओं की बैठक लगातार करते हैं। उसके तहत गृहमंत्री जी नालंदा भी आएंगे और यहां पे आकर के पार्टी के सभी बूथ अध्यक्षों के साथ उनकी बैठक होने वाली है। जो कुछ भी नालंदा में विगत दिनों में हो रहा है वह बहुत ही दुखद है। अब बिहार में अपराधियों को लग रहा है कि सबसे सुरक्षित अपराध करने का स्थान पटना हो गया है और जिस प्रकार से हमारे नॉर्थ के एक मुखिया जी के पति की हत्या हुई और वो भी पाटलिपुत्र थाना के महज 200 गज दूर पे होती है, पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो जाता है पर 200 गज पुलिस को जाने में 40 मिनट लग जाए। अगर पूरे बिहार में कहीं ट्रेन में डकैती हो रही है तो अपराधी सबसे सुरक्षित यही समझते हैं कि वह पटना स्टेशन से जाकर के तब अपराध करें। इस तरह की जो घटनाएं बढ़ी हैं वह बहुत ही दुखद है। भारतीय जनता पार्टी एक ही लक्ष्य पर काम कर रही है कि 2024 में हम 36 से ज्यादा लोकसभा सीट हर हालत में जीतेंगे और उन जीती हुई सीटों में निश्चित तौर पर नालंदा के मेरे कार्यकर्ताओं का उत्साह देकर मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूं कि 2024 के चुनाव में नालंदा लोकसभा से भारतीय जनता पार्टी रिकॉर्ड मतों से जीतेगी।